हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिशरी पार्ट टू का थर्ड लेसन, फ्रेश वाटर फिशरीज ऑफ इंडिया इन वन शॉट लेक्चर। एक लेक्चर में हम लोग पूरा लेसन जो है ये अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका टॉपिक क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द कैप्चर फिशरी। अभी देखो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पे आते हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट इनलैंड फिशरी रिसोर्सेज का सोर्स है, ठीक है? मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फिशरी, जो फिशेज कैप्चर किया जाती है, जो फिशरी प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड वाटर से होता है। इनलैंड वाटर यानी कि हमारा जो रिवर्स हो गए, ये स्ट्रीम्स हो गई, क्या होते हैं? इनलैंड वाटर होते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे फाइव मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, जिससे हमें फिशेज का प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है? तो पहले कौन सी रिवर सिस्टम है? गंगा रिवर सिस्टम, दूसरी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, थर्ड सिंधु रिवर सिस्टम जिसे हम इंदस भी कहते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम एंड वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, ठीक है? एक एक बारी से हम लोग इन सब रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम की जो टोटल लेंथ है वो क्या है? 8047 किलोमीटर। देखो, अब सभी रिवर के जो रिवर से दी हुई है उन सबका हमें क्या क्या देखना है, उसका टोटल लेंथ, उसके बाद वो कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज है, उसके बाद उस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और उसके अंदर जो फिशेज जो है वो कैप्चर किया जा रही है वो कौन कौन सी, ठीक है? ये हमें एक रिवर सिस्टम में पढ़ना होगा, ठीक है? उसके बाद ये क्या है, ये इट इज़ अ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है? ये क्या है, पेरिनियल है। मतलब पेरिनियल ऐसी रिवर्स होती है जो विंटर्स हो समर्स हो वो फुलफिल ही होती है वाटर से, ठीक है? कभी ड्राई नहीं होंगी, वाटर से फुलफिल होंगी। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री इन हिमालय। हिमालय जो हमारा माउंटेन है, वहाँ का जो गंगोत्री है वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है? वहाँ का जो ग्लेशियर मास होता है वो जो मेल्ट होता है, देन वो हमारे मेल्ट होकर हिमालय से वो इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है? इट रन्स अबाउट 220 किलोमीटर इन द स्लोप ऑफ हिमालय। अब वो हिमालय से कितना रन करके आती है, मतलब वहाँ से कितना बहती है, 220 किलोमीटर से स्लोप से बहकर हमारे इंडिया में आती है, ठीक है? और ये कौन कौन से स्टेट कवर करती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल में जाकर वो फिर ज्वाइन हो जाती है, ठीक है? इतने सब स्टेट को कवर करती है, देन आखिर में कहाँ पे ज्वाइन होती है जाकर, क्योंकि हर रिवर जो है वो कोई ना कोई ओशियन में जाकर ज्वाइन हो जाती है, ठीक है? तो ये कहाँ पे ज्वाइन होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? द रिवर यमुना इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। अब जो रिवर यमुना है तो वो जो है हमारी गंगा रिवर की एक मेजर कंपोनेंट है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर लॉन्ग एंड मीट, यहाँ पे मीट होना चाहिए था, ठीक है? मीट टू गंगा एट अलाहाबाद। ये कितनी होती है, 100 किलोमीटर लॉन्ग है यमुना, और वो अलाहाबाद में गंगा से मिलती है, मतलब यहाँ पे अलाहाबाद में वो गंगा और यमुना जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो उससे जाकर मिल जाती है, ठीक है? इट कवर्स द बॉर्डर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड फ्लो थ्रू द टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखो, ये क्या है, बॉर्डर जो है हमारे पंजाब की और हरियाणा की उसको कवर अप करती है और दिल्ली में फ्लो करती है, ठीक है? उसके बाद है प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज आर, उसकी जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसकी जो जो बहुत छोटी छोटी रिवर्स उसको जाके ज्वाइन होती है गंगा को, वो कौन कौन सी है? एक है राम गंगा, गोमाती, घाघरा, गंडक एंड कोसी फ्रॉम द नॉर्थ। ये सब नॉर्थ से ये चार पांच जो ट्रिब्यूटरीज है वो गंगा को जाकर क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको जो कौन कौन सी फिशेज जो है उस गंगा रिवर सिस्टम से प्रोड्यूस होती है, या फिर कौन कौन सी फिशेज वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, वो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है? उसमें अगर आपको बहुत सारे फिशेज है उसके अंदर उसका नाम अगर आपको याद नहीं होता है तो उसमें मेनली आप लोग ऐसा याद रखो, जैसे मेजर कार्ब्स है या फिर दूसरी जो फिशेज है तो उनके एक हाथ जो आपको कॉमनली नाम याद होते हैं, जैसे कि कॉमन कार्ब है या फिर सिल्वर कार्ब है, ऐसे छोटे मोटे जो नाम होंगे वो याद रखो बस, ताकि आप इसके अंदर कंटेंट में लिख सकूँ। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर की, ठीक है? इट इज़ अनदर बिग रिवर। ये गंगा के बाद जो ब्रह्मपुत्र है वो दूसरी एक अच्छी बड़ी रिवर होती है, ठीक है? और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ग्रेट ग्लेशियर मास नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक का जो ग्रेट ग्लेशियर मास है, ग्लेशियर मास मतलब जो बर्फ़ के जो बहुत बड़े जो हमारे माउंटेन होते हैं वहाँ से जो बर्फ़ पिघल के आती है और वो बाद में लैंड पे आने के बाद क्या होती है, रिवर बनना शुरू हो जाती है उसके टेम्परेचर गिरने की वजह से, ठीक है? तो ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है? इट ट्रेवल्स अबाउट फर्स्ट 1600 किलोमीटर थ्रू द टिबेट वेयर इज नोन एज सेंगपो। देखो, जो टिबेट है एक ईस्ट एशिया का जो वो है सिटी है, कंट्री है, तो वहाँ से कितना 1600 किलोमीटर ट्रैवल करके आती है इंडिया में, ठीक है?
देयर आफ्टर इट फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश फॉर अबाउट 160 किलोमीटर। अब ये फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कितनी देर तक फ्लो करती है, कितना लंबा फ्लो करती है, 160 किलोमीटर तक ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। इट एंटर्स अगेंस्ट इन द वैली ऑफ आसाम वैली सॉरी इट इज़ अ वैली वैली ऑफ आसाम फॉर अबाउट 640 किलोमीटर एंड लास्टली अबाउट 460 किलोमीटर थ्रू द बांग्लादेश एंड जॉइन टू द एंड जॉइंट विथ गंगा एट गोलानडो। देखो ये क्या करती है, फिर कहाँ पे फ्लो करती है, वैली ऑफ आसाम में, आसाम की वैली में फ्लो करती है कितनी, 140 किलोमीटर, ठीक है। एंड सबसे आखिर में कहाँ पे फ्लो करती है, बांग्लादेश में फ्लो करती है कितना, 460 किलोमीटर में, ठीक है। एंड बाद में क्या करती है, गंगा को जाके ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द गंगा द यूनाइटेड रिवर फ्लोज अंडर द नेम ऑफ पद्मा। अब जब ये रिवर गंगा को ज्वाइन कर लेती है तो उसके बाद ये क्या कहलाई जाती है, पद्मा कहलाई जाती है, ठीक है। एंड लास्ट में ये जो दोनों भी रिवर है वो कहाँ जाके मीट होती है, बे ऑफ बंगाल की ओशियन में मीट होते हैं, ठीक है। अनदर टिपिकल फीचर ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा डेट दे हैव द नंबर ऑफ स्मॉल रिवर लेट इंटरस्प्रेड इन द रीजन कॉल्ड भील्स। देखो ब्रह्मपुत्र और गंगा का एक बहुत ही मेन फीचर है दोनों का कि इनके इनसे साथ ना बहुत छोटी छोटी रिवर जो है जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भील्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट रिवर सिस्टम। अब जो गंगा रिवर सिस्टम था वो था एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, और सिंधु रिवर सिस्टम क्या है, एक स्मॉलेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सतलज एंड बीज, सतलज और बीज जो है वो इसके ट्रिब्यूटरीज है। दिस रिवर सिस्टम इज रेदर रिच इन फ्रेश वाटर फिश फौना इन कंपेरिजन विद अ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके अंदर जो फिश फौनाज है, मतलब फ्लोराज होते हैं, फौनाज होते हैं, ठीक है, उसमें ये ब्रह्मपुत्र से ज़्यादा है, ठीक है। उसके अंदर फ्रेश वाटर फिश फौना ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिस्टम विच इज़ कंपेरिजिंग विद द रिवर बीज एंड सतलज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इज नाउ विद इन द इंडिया। देखो जबकि बहुत कम पोर्शन जो है इस रिवर सिस्टम का इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। इट कवर्स द स्टेट हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब, ये तीन स्टेट जो है ये कवर अप करती है, ठीक है। देयर इज़ नो कमर्शियल फिशरीज फॉर मेजर कार्ब्स इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जब ये फ्लो करती है तो इसके अंदर कोई भी मेजर कार्ब्स का प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, या फिर मेजर कार्ब्स की जो फिशरी होती है वो पाई नहीं जाती है, ठीक है। फ्राई एंड फिंगरलिंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम इन पंजाब। देखो जो फ्राई और फिंगरलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिश सीड के एक मेन सोर्स होते हैं, ठीक है, ठीके? और ये रिवर में वो पाए जाते हैं कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है। जब ये रिवर पंजाब से फ्लो कर रही होती है तो वहाँ पर ये फिश सीड हमें ऑब्टेन करने को मिलते हैं, ठीक है, ठीके? फिर क्या है, रिवर झेलम, जो रिवर झेलम है तो ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द रिवर झेलम ऑफ द सिस्टम फ्लोस थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो इसका जो बहुत छोटा सा पार्ट जो है ये रिवर का वो जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करता है, और ये भी जो रिवर है ये फिशरीज में फिश के प्रोडक्शन के लेने के लिए काम में आती है, ठीक है। हो सकता है ये दूसरे बुक में ना दिया हो इस रिवर के बारे में, पर जो विद्या भारती पब्लिकेशन है उसमें ये रिवर के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम जो है वो थ्री मेजर रिवर्स से बनी है। सबसे पहले ये गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन तीन रिवर्स को मिलकर ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवर गोदावरी के बारे में। रिवर गोदावरी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, दियोलाई हिल्स नियर द नासिक, दियोलाली हिल्स जो है वो नासिक के पास, वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ से फ्लो, कहाँ तक फ्लो करती है, इट फ्लोस थ्रू MS महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश एंड ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल। देखो बे ऑफ बंगाल में जाकर फिर ये क्या होती है, मिक्स हो जाती है। उसका जो लेंथ है वो कितना है, 140 किलोमीटर का है। एंड कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया मतलब जो रिवर का उतना एरिया जहाँ से हमें फिश का प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। और उसका कैचमेंट एरिया क्या है, 315980 स्क्वायर किलोमीटर, इतना उसका कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी उनकी, मंजीरा, वैन गंगा एंड इंद्रावती, इसकी तीन मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। एंड माइनर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये जो थी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी थी, और ये क्या है, इसकी माइनर ट्रिब्यूटरी है, क्या है, पूर्णा, मानी एंड साबरी, ये क्या है, इसकी माइनर ट्रिब्यूटरी है। रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 11200 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट टू द साउथ ऑफ द पूना। देखो ये वेस्टर्न घाट से जो रिवर कृष्णा है वो ओरिजिनेट होती है, और इसका कैचमेंट एरिया कितना है, इतना इसका कैचमेंट एरिया है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, भीमा एंड तुंगभद्रा, इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के बारे में। वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम दो रिवर्स से बनी होती है। सबसे पहली कौन सी है? नर्मदा, एंड दूसरी है तापी। रिवर नर्मदा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अमरकंतक हिल्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर नाम से, जहाँ पे कौन सी हिल है? अमरकंतक हिल्स है, वहाँ से जो ये नर्मदा रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है। इसकी टोटल लेंथ है 1280 किलोमीटर और इसका कैचमेंट एरिया इतना है, ठीक है। उसके बाद है इसके जो 18 प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें जो 16 प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है वो मध्य प्रदेश में है, एंड दो जो है वो गुजरात से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद है रिवर ताप्ती। रिवर ताप्ती या फिर रिवर तापी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? माउंट ऑफ द विंध्या ऑफ द सतपुरा रेंज एट अ हाइट ऑफ सिक्स। देखो सतपुरा रेंज कौन सी रेंज होती है? जो मध्य प्रदेश में ऐसे माउंटेन्स है, राइट। हमने ज्योग्राफी में 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सतपुरा रेंज के बारे में। तो ये जो रिवर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कितनी हाइट से? उसकी 670 to 100 अबव द MSL यानी कि मीन सी लेवल होता है, ठीक है। तो इतनी रेंज से जो एक रिवर है वो वहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी। देखो ये कहाँ से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र एंड गुजरात से, इन तीन स्टेट से ये फ्लो करके कहाँ पे ज्वाइन होती है? अरेबियन सी में ज्वाइन हो जाती है। इसका कैचमेंट एरिया कितना है? 4800 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लेक। अब जो लेक्स हैं हमारे वो जो है वो उसके थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके टेम्परेचर के बेसिस पे वो क्लासिफाई होते हैं। जैसे कि पोलार लेक्स। पोलार लेक्स कौन से लेक होते हैं? जिनका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री के ऊपर कभी नहीं जाता, मतलब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे जाएगा, जैसे 3 डिग्री हो गया या फिर 2 डिग्री हो गया, और उससे कम होते जाएगा, बट उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो सर्फेस होता है लेक्स का वो क्या होता है? पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब पोलार लेक्स। सब पोलार लेक कौन से लेक्स होते हैं? जिनका जो टेम्परेचर है वो समर सीजन में, सिर्फ समर सीजन में जो है वो 4 डिग्री के ऊपर जाता है, बाकी के सीजन्स में वो 4 डिग्री के नीचे ही होता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेट लेक। टेम्परेट लेक मतलब क्या होता है? लेक विद अ सरफेस वाटर टेम्परेचर वेरिंग अबव द बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसे लेक जिनका टेम्परेचर 4 डिग्री से कभी ऊपर होता है या फिर 4 डिग्री से नीचे होता है। जैसे कुछ जो लेक्स होते हैं जो समर में उनका टेम्परेचर बढ़ता है एंड विंटर्स में वो और कोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो लेक्स होते हैं उनके ऊपर या बर्फ उनके सर्फेस पर जो है वो आइस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल लेक। ट्रॉपिकल लेक किसे कहते हैं? द लेक हैविंग द वाटर विद अ सर्फेस वाटर टेम्परेचर अबाउट द 4 डिग्री सेल्सियस। देखो ट्रॉपिकल लेक्स ऐसे लेक्स होते हैं जिनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है लेक का वो 4 डिग्री के ऊपर होता है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर कोई बर्फ़ नहीं जमी हुई होती है, एंड उसका जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री के ऊपर ही होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब ट्रॉपिकल लेक। अब सब ट्रॉपिकल लेक के ऐसे लेक्स होते हैं जो जिनका सरफेस एरिया जो है वो 4 डिग्री के नीचे कभी नहीं जाता, मतलब ऐसे लेक जिनका जो सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस वाटर टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 4 डिग्री के ऊपर ही होगा हमेशा, उसका 4 डिग्री के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टेम्परेचर के ऊपर जो लेक्स का क्लासिफिकेशन था वो हमको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजी ऑफ द लेक। इकोलॉजी ऑफ द लेक मतलब जो फ्लोरा फोना या फिर उसकी फिजिकल या केमिकल कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अभी हमें 5 टाइप के यहाँ पे लेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक है लोकतक लेक। लोकतक लेक जो है उसका जो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इट इज़ सिचुएटेड इन मणिपुर। वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मणिपुर में। इसका वाटर स्प्रेड एरिया कितना है? 300 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वाटर स्प्रेड एरिया मतलब उसका जो टोटल लेंथ है या फिर टोटल एरिया वो कितना है? 390 किलोमीटर्स का, ठीक है। उसके बाद है इसकी डेप्थ कितनी है? 1.5 to 4.5 मीटर। अब ऐसे सारे जो हमारे लेग्स हैं उन सब की हमें जो कहाँ पे सिचुएटेड है उनकी टोटल लेंथ कितनी है, उनका जो अल्कनिटी है या फिर उनका जो pH है वो कितना दिया हुआ है, और उसके अंदर कौन कौन सी मेजर कार्ब्स जो है वो पाई जाती है वो हमें इनके अंदर क्लासिफिकेशन में बताया है। बट इन सब में से जो ये ऊटी लेग है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लेग्स है, ठीक है। सो आप लोग इसको एक बार बस रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएंगे। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि हमें बस इसकी ओरिजिनेशन मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद उसका जो pH है और उसका वहाँ पे कौन कौन सी फिशेस पाई जाती है और उसका डेप्थ, बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिजर्वायर फिशरीज। रिजर्वायर और डैम्स के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं और हम लोगों ने देखा भी होगा कि लार्ज इम्पॉन्डेड वाटर बॉडी होती है जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती है किसी भी रिवर या स्ट्रीम को
रोक कर, ठीक है। एंड रिजर्वायर डैम्स के जो मेजर जैसे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि उसमें हम लोग फार्मर्स जो है इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं, फ्लोड कंट्रोल होता है जो सुनामी होती है उससे बचाया जा सकता है विलेज को, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज में काम आता है, और फिश का जो प्रोडक्शन लेने में ये हमको काम आता है, ठीक है। रिजर्वायर्स और जो हमारी डैम्स होते हैं उसके पास अगर हमने फिश फार्म बनाया है तो हमें वहाँ से फिश का प्रोडक्शन भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपको जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल दिया होगा, वहाँ पे आपको स्टेट और उसके स्टेट के अंदर जो रिजर्वायर पाए जाते हैं उनके नाम दिए हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से कौन कौन से रिजर्व स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट के नाम दिए हैं, इन सबके जो रिजर्वायर है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और लर्न करने, क्योंकि ये MCQ में पूछेंगे या फिर वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जो ये PDF है पूरे लेक्चर की वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँ। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द रिजर्वायर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिजर्वायर्स के अंदर जो डेवलपमेंट आया है या फिर उस हमारे इंडिया में किस तरीके से रिजर्वायर्स जो है वो बनाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स द लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड फ्रेश वाटर, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर होना चाहिए था, फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स आर फॉर्म्ड, मतलब लास्ट 40 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब जो हमारा रेनफॉल से वाटर ऑब्टेंड होता है या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, रिवर लाइन वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। उसकी मदद से जो है बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है रिजर्वायर्स को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट किया जाता है या फिर कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो देखेंगे। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग शॉर्ट में रिविजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्री इम्पॉन्डेड सर्वे ऑफ रिवर बेसिन। देखो एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है ताकि जो जहाँ पर हम लोग ये रिजर्वायर फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, या फिर हम वो लैंड कैसी है, उन सबको जानने के लिए उसकी नॉलेज लेने के लिए हम लोग एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रिमूवल ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्स्ट्रक्शन। एक बार हमने तय कर लिया कि हमें यहीं पर अगर हमारा रिजर्वायर बनाना है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लैंड के ऊपर जितनी भी एक्वेटिक वीड्स होती है या फिर जो रॉक्स होते हैं बड़े वाले उनको हटाया जाता है ताकि हमारा जो रिजर्वायर है उसको अच्छे से बनाया जा सके, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म एट अ डैम साइड ऑन द रिजर्वायर। देखो फिश फार्म बनाया जाता है ताकि हम लोग को फिश का जो प्रोडक्शन ले जाए, क्योंकि हम लोग फिशरी पढ़ रहे तो हमें रिजर्वायर्स क्यों बना रहे हैं, हम लोग फिश का प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने पहले लेसन में देखा होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टॉकिंग ऑफ द रिजर्वायर। अब रिजर्वायर को स्टॉक किया जाता है, स्टॉक किस चीज़ से किया जाता है, फिशेज की जो सीड्स होती है उससे स्टॉक किया जाता है ताकि हमें जो फिश का जो है वो जो कार्प्स है उसका प्रोडक्शन लेने को मिले। द सर्वे ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड इन द रिवर्स एंड रिजर्वायर्स, मतलब जो फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स है यानी कि जो हमने रिजर्वायर बनाया है वो फिश को ब्रीडिंग करने के लिए या फिर जो एक लाई करने के लिए सूटेबल है कि नहीं वो हम लोगों को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी नियर द डैम, मतलब डैम के पास फिशरमैन की कम्युनिटी यानी कि फिशरमैन जो है अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिश के जो रिजर्वायर जो फिश फार्म है उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पहले ही लेसन में देखा है, ठीक है, पार्ट टू का जो फर्स्ट लेसन है उसमें देखा है हमने किस तरीके से मिडल मैन जो है वो एक्सप्लोइट करते हैं फिशरमैन को, इसलिए जो फिशर कोऑपरेटिव सोसाइटी है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल फिशिंग। एक्सपेरिमेंटल फिशिंग किसे कहते हैं, जैसे कोई फॉरेन कंट्री की फिश है जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती है बट हम लोग वहाँ से उसे लेकर आ रहे हैं क्योंकि शायद उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, उसकी जो इंडिया में डिमांड है वो ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग उसे इंडिया में लेकर आते हैं और यहाँ पर उसे वो सेम इन्वायरमेंट देकर उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, कल्चर करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे फिश फार्म के पास या फिर जो रिजर्वायर है जो जगह हमने सेलेक्ट किया है उसके बहुत नज़दीक जो है हमारी मार्केटिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द स्ट्रीम मे बी सीजनल पेरिनियल्स। जो स्ट्रीम का जो सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा स्ट्रीम है वो सीजनल होगा या पेरिनियल होगा। अब सबसे पहला टाइप क्या है, परमानेंट स्ट्रीम। परमानेंट स्ट्रीम मतलब जो हमारे पेरिनियल रिवर्स जो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, तो उस टाइप से ही हमारा क्या होता है, परमानेंट स्ट्रीम होता है। इसके अंदर जो वाटर कहाँ से आता है, इसके अंदर वाटर आता है सीपेज से, स्प्रिंग एंड सरफेस वाटर होता है। स्प्रिंग वाटर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है या फिर जब रेन होती है तो जो सरफेस होता है लैंड का वो क्या करता है, वाटर होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रीम्स है वो हमेशा फुलफिल होते हैं वाटर से, ठीक है। एंड ऐसे स्ट्रीम्स के अंदर जो हम फिशेज है उसको कल्चर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है,
इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स में किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो वो पानी होता है वो सिर्फ रेनफॉल की वजह से होता है, मतलब जब रेनफॉल होगा तभी उसके अंदर जब भी वो जो स्ट्रीम्स होंगी फुलफिल होंगी, ठीक है। एंड हैवी रेनफॉल्स की वजह से या फिर स्नो मेल्टिंग की वजह से ये स्ट्रीम जो है वो परमानेंट भी हो सकते हैं या परमानेंट स्ट्रीम की जैसे भी एक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट कौन से स्ट्रीम्स है, इंटरप्टेड स्ट्रीम्स। इंटरप्टेड स्ट्रीम्स मतलब क्या होती है, ये दोनों की तरह एक्ट करती है, परमानेंट स्ट्रीम्स की तरह भी एक्ट करती है और इंटरमिटेंट की स्ट्रीम्स की तरह भी जो है ये एक्ट करती है, ठीक है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो फिशरी पार्ट टू है इसके जो IMPs है एंड इसके जो कुछ सैम्पल पेपर्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।